नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं खीरा की। अगर खेती की हम बात करने वाले हैं, खीरा की हम बुआई कर दिए हैं अपने खेत में। अब हम खीरा में, जब हमारा खीरा 15 से 20 दिन का हो गया है, तो उसमें हम कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे खेत में कीट जो लगने वाले हैं और जो पत्ती बेधक कीट लग जाते हैं, जिससे हमारे खीरे की फसल का ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाता है। और कई मतलब खीरे जो अभी निकले होते हैं, 5 से 6 इंच के भी खीरे ज़मीन से निकले हैं, अगर वो इसी समय फली बेधक कीट के अंतर्गत आ जाता है तो वो खराब हो जाता है और वहाँ पे नष्ट हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा जो स्प्रे है, जो स्प्रे हम 15 से 20 दिन पे खीरे पे करते हैं, जिससे कि हमारा खीरा जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करता है और हर कीट और फंगस से बचा रहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार यादव, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आए और वीडियो में कैसे क्या करना है और कौन सा दवा कब प्रयोग करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है मैंने। तो आप वीडियो में बने रहिए और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी करें, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी हो और जो उन खीरा है वो प्रति एकड़ 300 से 400 क्विंटल है, मतलब 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हम लोग का प्राप्त हो और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो, जिससे किसान भाई और हम लोग के आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों बता दें कि सबसे पहले दोस्तों हम खीरा की बुआई करने से पहले जो खाद उर्वरक है उसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। जब हम खीरा की बुआई करते हैं तो उससे पहले हम 8 से 10 टन गोबर की खाद को पूरे खेत में अच्छे से मिला के फिर जुताई करके और रोटावेटर चला कर मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देते हैं। हम गोबर की खाद इसलिए डालते हैं क्योंकि ये दोस्तों कार्बनिक खाद में आता है और काफ़ी अच्छा ये खाद माना जाता है। अगर शुरू में हम इसके अच्छे से खेत में प्रयोग करते हैं तो जो हमारा फसल है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद से दोस्तों हम 90 kg यूरिया और 125 kg जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है, 125 kg वो, ठीक है, NPK की मात्रा इसमें हम जी मतलब 25-50-25 रख सकते हैं। और जो हमारा यूरिया भी बताए हैं 90 kg और जो 125 kg हम लोग का है सिंगल सुपर फास्फेट है, इसको डालने के बाद से हम पूरे खेत को अच्छे से जुताई कर देंगे। ये कब डालना है दोस्तों खाद, 8 से 10 दिन पहले जब बुआई हम करने वाले हैं, अगर खीरा के खेती की बुआई करने वाले हैं तो जब खेत क्यारी करते हैं उसी टाइम इसको मिला देते हैं खेत में, ताकि अच्छे से खेत में ये मिल जाए और अच्छे से जो है हम लोग को जब ये पूरा धूप के संपर्क में आता है तो ये पूरे खेत में अच्छे से मिक्स हो जाता है। आज उस समय जब हम फसल लगाते हैं, जब बीज लगाते हैं हम खेत में, तो हम लोग का जल्दी से ग्रोथ देखने को मिलता है और जितना जल्दी ग्रोथ होता है उतना जल्दी मतलब हम लोग 20 से 25 दिन वाला जो अभी हम स्प्रे बताने वाले हैं उसका तैयारी करते हैं और उस स्प्रे को देते हैं। अभी दोस्तों हम बता दें कि अभी आप सब देख सकते हैं वीडियो में, हम लोग का 15 से 20 दिन वाला स्प्रे स्टार्ट हो गया है और हम 15 से 20 दिन वाला स्प्रे देखिए काफ़ी अच्छे से हम लोग दे रहे हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन सा जो है हम जो 15 से 20 दिन वाला स्प्रे है उसमें कौन कौन सी दवा मिलाएंगे और कैसे मिलाएंगे। तो सबसे पहले जब दोस्तों बता दें कि खेत में अगर हमारे जो 5 से 6 इंच का जो मतलब खीरे की फसल निकली है, अगर उसमें अगर एक भी कीट दिखता है तो उस समय तुरंत हमको ये उपाय करना चाहिए। अगर हम उसमें उपाय नहीं करते हैं और ज़्यादा कीटों की संख्या बढ़ जाती है तो उतना ही ज़्यादा खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों तुरंत अगर हम दवा मारते हैं तो हमको 24 घंटे में रिजल्ट देखने को मिलता है। 24 घंटे में 1 से 2 पत्ती अभी पूरे हम लोग के फसल में नहीं, मतलब पौधे में निकली है, तो वो आधे से अधिक पत्ती खत्म हो जाएगा 24 घंटे में दोस्तों, क्योंकि शाम के समय अगर हम दवा मारते हैं तो रात भर दवा मतलब अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो कल दोपहर से मतलब दवा का असर होता है, तब तक कीट तो हट जाते हैं, लेकिन कई जब कीटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये अपना प्रकोप दिखाते हैं। तो कीटों की संख्या ज़्यादा ना होने से पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद से दोस्तों अब हम बात करेंगे 3% जो है नीम का तेल है दोस्तों, उसका हम छिड़काव करेंगे। जितना हम लोग का खेत है और जितना हम लोग का मतलब पानी, मतलब 1200 लीटर पानी, 1500 लीटर पानी अगर हम डालते हैं खेत में, तो 1500 का 3% हम निकाल लेंगे और हम लोग मतलब तेल को मिलाएंगे। कौन सा तेल दोस्तों, नीम का तेल जो होता है उसका हम मिला के छिड़काव करेंगे। उसके बाद से दोस्तों ये छिड़काव करने के बाद से हम साइहोलोथ्रिन और साइहोलोथ्रिन नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, तो साइपोरमेथ्रिन
ये दोनों दवा का हम प्रयोग करेंगे और इसका हम छिड़काव करेंगे। उसके बाद से दोस्तों आप बात करेंगे कि अगर हमारे 20 से 25 दिनों का 50 दिन का जब हो जाता है और जब हम लोग का फूल निकलने वाला होता है 45 से 50 दिन में, फूल कितने फसल में निकल जाता है और कितने फसल में फूल अभी निकलने वाला होता है, तो उस समय हम जब फूल निकलने लगता है तो उसमें 15 लीटर पानी की दर से मतलब 7 से 8 मिलीलीटर कोरोजेन, ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत इसको मिलाना है दोस्तों, कोरोजेन को 18.5%, ठीक है, एससी एसी मिलाकर और हम इसको छिड़काव करेंगे। अब जितना हमारा हेक्टेयर है उसे 1500-1200 जितना हम लोग का प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा, अगर ये छोटा पौधा है तो पूरे खेत में मारने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग को जितना हम लोग का फसल लिए हैं, अगर छोटे में फसल लिए हैं हम लोग, तो 15 से 20 लीटर का जो एक टंकी आता है, जो हमारे जो दवा मिक्स करते हैं उसमें हम मिला के कौन सा दवा, कोरोजेल होता है दोस्तों 18.5%, इसको घोल के और नीम की जो इसमें भी नीम 3% नीम की जो तेल है उसमें 3% मिला के और इसका हम छिड़काव काफ़ी अच्छे से कर देंगे। ये करने से दोस्तों इस समय जो हम लोग का फूल बनते समय जो कीट का प्रकोप है वही हट जाएगा और हम लोग का जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और जल्दी से हम लोग को उपज मिलेगा। उपज मिलने के बाद से दोस्तों आप बता दें कि अब फली भेदक कीट का प्रकोप हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे खीरा हम लोग का निकल गया और खीरा छोटे छोटे मतलब रूप में उसमें से निकल रहा है, तो उसमें फली भेदक कीट भी काफ़ी तंग करते हैं हमको और काफ़ी खेतों में देखे थे हम लोग लाल लाल छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो फली को भी छेद के और फली छेद के और अंदर घुस के उसको खाते हैं, जिससे वो खराब हो जाता है और सड़न रोग लग जाता है उसमें। इसलिए हम उस कीट को रोकने के लिए तुरंत उसी समय हम लोगों को बिफ्रिंचिन और साइलोथ्रिन और साइप्रोमेथ्रिन, अगर ये साइलोथ्रिन और साइप्रोमेथ्रिन दोनों दवा में से कोई एक दवा रहेगा तो चल सकता है, अगर उसे बिफ्रिंचिन दोस्तों जो दवा है उसको हम मिला के और पूरे अच्छे से पूरे हेक्टेयर की दर से हम लोग को छिड़काव करना है। 1500 से 2000 लीटर पानी में भी अगर हम इसको मिला के और छिड़काव करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब एक फसल को पूरे अच्छे से दवा से भेंके, मतलब फसल फसल पे देना है, दवा पे भेंके। और हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हम कीटनाशक दोस्तों प्रयोग करेंगे वो ज़्यादा विषैला ना हो, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि फूल बनते समय अगर ज़्यादा विषैला मारते हैं तुरंत फली निकलता है और फली निकलते हैं तुरंत आदमी सेवन करता है, तो कई आदमी बिना धोए भी उसका सेवन करने लगते हैं, तो जिससे उन पर भी खतरा बन सकता है। तो कोई भी अगर हम कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान यह रखना है हम लोगों को कि वह ज़्यादा विषैला ना हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अभी तक सब्सक्राइब।